निकाली सब ग्रेडिंग। क्या हुआ? अच्छा दोगे नहीं? चंदा दोगे तभी तो पूजा होगी। सभी लोगों को फोन करके हम चंदा वसूल। देखो ध्यान, क्या हो रहा है ये समझो। जैसे अंग्रेजी पढ़ने आए हो ना, पढ़ेंगे यहाँ पे। अंग्रेजी पढ़ने आना चाहिए, अंग्रेजी लिखनी आनी चाहिए। तो जिसको कुछ नहीं आता उसको कम से कम देख के लिखना आना चाहिए। तो ये होमवर्क आपको सब लोग लिख, कॉपी लाया तो मंकित सब लोग लिख के लाते हैं, ठीक है। दूसरा, इसको लिखते वक्त में ग्रामर का यूज हुआ होगा या नहीं? ग्रामर का प्रयोग करके लिखा गया होगा ना, तो हम समझेंगे कि इसको लिखते वक्त किस तरह से ग्रामर का प्रयोग हुआ है, और जो पढ़े हैं उसके आधार पर जज करेंगे। जैसे आई है तो हम ये पूछ सकते हैं ना, आई क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और केस क्या है? तो तुम लोग से सब्जेक्टिव लग रहा है, काम कर रहा है। कि आपने बोला था कि आई सब्जेक्टिव, आई क्या है? काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? सोच रहा। इस तरह से जब आप रोज पढ़ोगे ना, तो जो आप ग्रामर में पढ़ रहे हो यहाँ पे पक्का हो जाएगा, वो तो याद हो जाता। क्योंकि हम लिखेंगे तो हम लोग जज करेंगे ना कि अच्छा, आज यही तो पढ़े हैं, आज तो सर बताए ही थे, तो क्या बताए थे? कि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन लिख लिया। किंग क्या है? वर्ब का पहला रूप। आलम्पना क्या है? नाउन। कैसे पता? पहला अक्षर कैपिटल, ये भी पहचान है। दैट कंजंक्शन है। दैट कंजंक्शन की क्या मीनिंग होती है? आई थिंक आलम्पना, मुझे लगता है आलम्पना। क्या लगता है? द आर्टिकल। आर्टिकल किसके लिए आएगा? नाउन के लिए। हाँ आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या होगा? एडजेक्टिव। तो राइट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फॉर प्रीपोजिशन दिस, कैसा एडजेक्टिव? कैसा एडजेक्टिव है दिस? दिस कैसा एडजेक्टिव है बताओ? कॉपी देखते बता तो सकते नहीं हो, क्योंकि हमने कॉपी तो दी नहीं है। इसलिए कॉपी में नहीं लिखवाते हैं, ताकि तुम्हें याद रखना पड़े कि कैसा एडजेक्टिव। नेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग इशारा करने के लिए करते हैं। कैसा डेमोन्स्ट्रेटिव है? दिस एग्जैक्ट, दिस बोर्ड, ये वाला बोर्ड। तो पता चला ना किसकी? तो डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव। कैसा है? डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तुम सभी जाते घड़ी आज बोलोगे कि क्लास नोट समय प्रिंट आउट ले लोगे, 50 पैसे पेज के हिसाब से वो ले लोगे। 10 पन्ना होगा तो 5 रुपया नोट्स लेके चल जाओगे, ताकि तुम छुट्टी में रिवाइज कर सको। सभी लोग ठीक है, कर दोगे? फॉर प्रिपोजिशन दिस एडजेक्टिव टास्क नाउन इज क्या है? बस के बोलो, अरे बोलोगे तो याद होगा। अच्छा देखो, इस क्लास में सबसे अच्छी अंग्रेजी किसकी है? मेरी। और सबसे अधिक बोल कौन रहा है? हम। किसको बोलना चाहिए? तुम। इस मेन वर्ब बीरबल, मुझे लगता है आलम्पना। इस काम के लिए सही व्यक्ति कौन है? बीरबल। सही व्यक्ति कौन है? बीरबल। की प्रोनाउन इज मेन वर्ब इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, वह समझ। हाँ बोले, एडजेक्टिव तो लिखे हैं। की प्रोनाउन है इज मेन वर्ब इंटेलिजेंट एडजेक्टिव। की प्रोनाउन इज मेन वर्ब क्लेवर एडजेक्टिव। की प्रोनाउन हैज ऑक्सिलरी वर्ब फिल्ड मेन वर्ब नेवर एडवर्ब द आर्टिकल एम्परर नाउन ऑल एडजेक्टिव दीज एडजेक्टिव यस नाउन। वह समझदार है, चतुर है, और उसने आज तक आपको निराश नहीं। फेल का मतलब यहाँ पे हो जाए निराश कर। यू हैव फेल्ड मी, तुमने मुझे बना निराश। द आर्टिकल हकीम नाउन मेड भी टू अ आर्टिकल सजेशन नाउन, तो सुझाव दिया। किसने सुझाव दिया? हकीम ने। हकीम ने सुझाव क्या? नहीं, ऑल एडवर्ब। देखो क्या हम देखोगे ना कि आ किसके लिए। जैसे हम बोलते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट, एक उदाहरण हम दे रहे हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अगर
लिखा ठीक है। तो यहां पे जज करते हैं कि कौन सा शब्द आया किसके लिए है। तो ऑल दीज ईयर्स, ऑल एडजेक्टिव, ईयर्स नाउन के लिए बोल के देखो, ऑल ईयर्स सही लगेगा, सभी वर्ष, इन सभी वर्षों में, ऑल ईयर्स के लिए आया है। ईयर्स क्या है? नाउन, तो एडजेक्टिव हो सकता है। लेकिन वेरी बॉय होता है क्या? अच्छा लड़का है, बहुत लड़का नहीं हो सकता, अच्छा लड़का हो सकता, कितना अच्छा। तो मतलब वेरी बॉय के लिए नहीं आ रहा, किसके लिए आ रहा है? ऑल का मतलब होता है टोटल, कंप्लीट। क्या ऑल का वहां पे अर्थ जा रहा है सभी वर्ष, टोटल सभी वर्ष के लिए? तो वर्ष तो ना होंगे, और अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें तो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। द आर्टिकल, सॉरी, कैन मॉडल वर्ब है, ही प्रोनाउन है, डू वर्ब का पहला रूप है, दिस प्रोनाउन है, द आर्टिकल एम्परर नाउन, फ्राउंड वर्ब का दूसरा। फ्राउंड चेहरे का भाव होता है, फ्राउन को हम लोग घृणा और क्रोध दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति फ्राउन कर रहा है, इसका मतलब उसके मन में घृणा का भाव है या उसके मन में क्रोध का भाव है। गुस्सा होगा तो भी फ्राउन करेगा, क्रोधित होगा तो भी, और घृणा आएगी मन में तब भी। कैन यू डू दिस, उससे हो जाएगा। देखो चेहरे पे जो भाव है इसी को फ्राउन कहते हैं, उससे हो जाएगा। इफ कंजंक्शन एनी वन प्रोनाउन कैन मॉडल फॉर फाइंड भी वन अ आर्टिकल बुल नाउन दैट रिलेटिव प्रोनाउन गिव्स वर्ब का पांचवा रूप, मिल्क्स नाउन है, इट प्रोनाउन इज मेन वर्ब वेरिएबल नाउन। अगर ऐसा बैल जो कि दूध दे सकता है उसको कोई ढूंढ सकता है वेरिएबल, अदरवाइज नहीं, ढूंढ सकता है तो वेरिएबल, नहीं तो नहीं। आलम पनाना महाराज, द आर्टिकल हकीम नाउन, असर्टेड भी। असर्ट का मतलब होता है अपनी बात को जोर देकर के, जोर देगा, नहीं नहीं सर वही तो कर ही सकता है, उससे नहीं होगा तो फिर किससे होगा, उससे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। ही प्रोनाउन एडवाइज्ड वर्ब का दूसरा रूप, एम्परर नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, एक भी वन, कंप्लीट एडजेक्टिव, रेस नाउन, फॉर प्रीपोजिशन, और आर्टिकल वीक नाउन। उसने कहा राजा को आप पूरी तरह से आराम कीजिए एक हफ्ते। ही प्रोनाउन प्रिस्क्राइब हुई टू अ आर्टिकल ना, और एक दवा लिख दी। प्रिस्क्राइब मतलब क्या होता है? दवा लिखना का जो अंग्रेजी शब्द है वही प्रिस्क्राइब है। टू प्रीपोजिशन बी ऑक्सिलरी वर्ब टेकन भी थ्री, फोर एडजेक्टिव, टाइम्स नाउन, और आर्टिकल डे नाउन। दिन में कितनी बार लेना है? चार बार, विथ प्रीपोजिशन हॉट एडजेक्टिव मिल्क नाउन, और कैसे लेना है? गर्म दूध में। इफ कंजंक्शन पॉसिबल एडजेक्टिव, अगर संभव हो सके। टेक भी वन दिस एडजेक्टिव पाउडर नाउन विद प्रीपोजिशन बुल नाउन, मिल्क नाउन, दोनों को जोड़ने के लिए एपोस्ट्रोफेस, और संभव हो तो किस चीज के दूध में? बैल के दूध। ठीक है, अदरवाइज एडवर्ब है, काउ नाउन, मिल्क नाउन, दोनों को जोड़ने के लिए एपोस्ट्रोफेस, शुड मॉडल फॉर डू भी वन, यहाँ पे डू का मतलब है चलेगा, नहीं तो गाय का दूध भी चलेगा। दो कंजंक्शन द आर्टिकल क्योर नाउन मे मॉडल वर्ब बी मेन वर्ब स्लोअर एडजेक्टिव, लेकिन इलाज थोड़ा धीमा होगा। इलाज कैसा होगा? हाँ होगा। द आर्टिकल हकीम नाउन हैंडेड भी टू अ आर्टिकल पाउच नाउन दैट रिलेटिव प्रोनाउन कंटेंड भी टू अ आर्टिकल स्पेशल एडजेक्टिव पाउडर नाउन। ठीक है, उसके बाद उसने एक पाउच निकाला, पाउच का मतलब छोटा थैला, जिसमें क्या था? एक खास पाउडर था। पाउडर की हिंदी क्या होती है? पाउडर
प्रीपोजिशन वन नंबर है, ऑफ प्रीपोजिशन दैट अटेंडेंट्स नाउन, फिर यह बढ़ा दिया, किसको बढ़ा दिया, अटेंडेंट को, मतलब जो राजा का नौकर होगा, उसके बाद सर झुकाया और वहां से दो वर्ब है दोनों को जोड़ने के, एंड बस इतना ही था। ठीक है चलिए, अपना अपना मिस्टेक्स बताइए कितना गलत हुआ। कल का होमवर्क रहेगा डाउट्स तक, कहां तक डाउट्स, कल का मतलब अगली क्लास जब होगी तो उसका रीडिंग की क्लास होती रहेगी, क्लोज टेस्ट की क्लास। कितना कक्षा में है सर, कक्षा से बस निकल रहे हैं, कक्षा में है क्या बाबू, हो गया कितना है तुम्हारा, 8 या 10 गिन लो, इट्स नॉट अ बिग थिंग, 8 या 10 में 2 का गैप होता है, गिन लो कितना है, 9 भी तो हो सकता है, गिन नहीं पा रहे हो, इतनी गलती है तुम्हारा, तुम्हारा ज्यादा कैसे, पटना के रहने इतना धीरे धीरे चल, तुम लोग स्कूलिंग बेटर है ना उन लोगों से, स्कूल देखो कैसा होता है, स्कूल गए हो कभी, कितना दिन गए हो स्कूल उम्र में, टोटल लाइफ में, फिर भी किस क्लास से जाना शुरू किए थे, पहला से, और किस क्लास से जाना छोड़ दिए थे, 10 तक गए हो रेगुलर, स्कूल में पढ़ाई होती थी, पढ़ाई नहीं होती, तुम तो पढ़े हो कम से कम स्कूल, समझ में आ रहा है ना, क्लोज टेस्ट की क्लास शुरू करते हैं।